वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि VBSPU जौनपुर, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 बड़ी अपडेट आ रही है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारी जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो टलने वाला है, टल सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब से होगा ये भी जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नंबर एक ऑथेंटिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को साथियों के पास शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाएँ। वहाँ पर आपको जो आपका टाइम टेबल आया है सीधा अपलोड किया गया है और जो भी आएगा डायरेक्ट अपलोड ही किया जाएगा, इसलिए उससे जुड़ना ना भूलें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया गया, सिर्फ लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब खबर की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है, क्यों टल सकता है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ क्लियर समझ लीजिएगा, अभी टला नहीं है, टल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आजमगढ़ का जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित स्नातक प्रथम वर्ष के लगभग 22,000 छात्र हैं, जिसका कि मैंने दो अपडेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। और इसमें देखिए कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की जिम्मेदारी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को दी गई है, यानी कि ये भी मैंने आपको जानकारी दिया था कि ये आपकी यूनिवर्सिटी यानी VBSPU ही कराएगा। वहाँ का भी पूर्वांचल VB की ओर से हाल ही में 14 मार्च से परीक्षा प्रस्तावित कर प्राचार्यों को कार्यक्रम भेजा गया था। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च का जो है टाइम टेबल आया हुआ है, और प्रस्तावित का मतलब ही होता है कि डेट इधर उधर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि इधर चुनाव मतगणना एवं होली निकट होने एवं अधिकांश शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी में होने से पूर्वांचल VB ने अपना प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। तो ये स्पष्ट जानकारी आपको दे दिया जाए कि विचार शुरू हो गया है। अब इस पर देखते हैं क्या फैसला आता है आगे चल के, ये तो बाद वाली बात होगी, लेकिन इस पर बात हो रही है। फिलहाल परीक्षाओं को होली के बाद कराने पर विचार किया जा रहा है और होली के बाद आपका भी एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका 22 यहाँ देखिए, अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा कराए जाने का अगला कार्यक्रम 20 मार्च से हो सकता है। तो ये प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट का लेटेस्ट अपडेट है कि 20 मार्च से अगला एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि आप अभी 14 मार्च ही समझकर चलेंगे, क्योंकि अभी मीटिंग होगा, फिर आपको फैसला लिया जाएगा कोई। और इसमें देख सकते हैं आपकी बाकी जो शेष छात्र हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को भी बता दें कि आपका भी एग्ज़ाम होली के बाद किसी भी समय शुरू कराया जा सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका भी एग्ज़ाम जो है होली के बाद ही स्टार्ट होगा। अब बहुत शीघ्र ही कराया जाएगा, ये नहीं कि आपको ज़्यादा समय दिया जा सके। इसका आप लोग ऐसी सोच ना रखते हुए अपनी पढ़ाई तेज कर दें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। और फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट है कि 14 मार्च से होने वाली परीक्षा टल सकती है, कारण आपको बता दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि DSK PG कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उन्होंने ये जानकारी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।